नमस्कार, मैं हूं डेजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। पतंजलि की दिव्य कोरोना किट के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। मंत्रालय ने रामदेव से दवा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। उनसे पूछा भी गया कि उस अस्पताल और साइट के बारे में भी बताएं जहां इस दवाई की रिसर्च हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार से इस आयुर्वेदिक दवा के लाइसेंस आदि के बारे में भी जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार की ओर से कोविड-19 के उपचार के लिए तैयार दवाइयों के बारे में उसे मीडिया से जानकारी मिली। दवा से जुड़े वैज्ञानिक दावे के अध्ययन और विवरण के बारे में मंत्रालय को कुछ जानकारी नहीं है। केंद्र आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने एक टीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि रामदेव को अपनी दवाई की घोषणा मंत्रालय को बिना बताए नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, हमने उनसे जवाब मांगा है, पूरा मामला टास्क फोर्स के पास भेजा गया है। नायक के मुताबिक पतंजलि जो जवाब देगी उसकी और पूरे मामले की समीक्षा टास्क फोर्स करेगी। यह देखा जाएगा कि पतंजलि ने कौन कौन सा फॉर्मूला अपनाया है, अगर सब ठीक रहा तो उन्हें दवा बेचने की अनुमति दी जाएगी। मंत्री के अनुसार पतंजलि के मंत्रालय से परमिशन ना लेने पर ही आपत्ति है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई दवा लेकर मार्केट में आता है तो इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि दावों को सत्यापन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कोविड-19 के उपचार की दवाओं के नाम और उसके कंपोजिशन का जल्द से जल्द विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। खासतौर से उस साइट और हॉस्पिटल के बारे में भी पूछा है जहां इससे जुड़ी रिसर्च हुई। मंत्रालय ने दवा के रिसर्च से जुड़े प्रोटोकॉल, सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, CTRI रजिस्ट्रेशन और रिसर्च का रिजल्ट डेटा मांगा है। दावों का सत्यापन होने पर विज्ञापन पर रोक रहेगी। मंगलवार को यह दवा लॉन्च करते समय रामदेव का दावा था कि यह दवा इतनी असरदार है कि कोरोना के माइल्ड से मॉडरेट केसेस 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं। वहीं उन्होंने ट्रायल के नतीजे को हवाला देते हुए यह दावा किया था। पतंजलि की दिव्य कोरोना किट में 3 चीजें हैं, कोरोनिल है, श्वसारी वटी और अणु तेल है। कंपनी के अनुसार कोरोनिल टैबलेट में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा मूल घटक है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।